फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप लोग कैसे हैं? सब लोग अच्छे से होंगे और घर पे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आई एम योर क्लास टीचर एंड जी के टीचर ऑल्सो, यू नो दैट माई नेम इज़ हीना, सबको पता है ना। सो स्टूडेंट, हम लोग अपना जी के में अब आगे और भी चैप्टर्स अब पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे। हमारा आज का चैप्टर है एनिमल्स मूवमेंट। अपनी बुक में देखिए, पेज नंबर 14 में इस चैप्टर को दिया गया है। इसमें आपको एनिमल्स का जो मूवमेंट होता है वो किस एनिमल्स के मूवमेंट से रिलेटेड है, यानी कौन सा एनिमल क्या करता है और वो किससे रिलेटेड है, बस आपको यहाँ पे मैच ऑलरेडी किया गया है। आपको इस लाइन को ट्रेस करनी है, यानी इसके ऊपर पेंसिल से आपको ट्रेस करना है। ट्रेस द लाइन्स टू मैच दिस एनिमल्स मूवमेंट्स टू द करेक्ट एनिमल्स। बस आपको ट्रेस करके उसको करेक्ट एनिमल से मैच कर देना है। और ये बहुत ही ईजी है, इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है कि कैसे है या कुछ डिफ़िकल्ट है। मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, आप लोग इसको कर लीजिएगा। नंबर वन, वेडल लाइक किससे मैच हुआ है? अ डक से। तो डक का फीट होता है, पैर जो होता है अ वेडल लाइक होता है, यानी ऐसा पैर होता है जो इसको स्विमिंग करने में हेल्प करता है। तो वेडल लाइक मतलब अ डक। अ गैलप लाइक अ हॉर्स, इसका जो पैर होता है गैलप लाइक की तरह होता है, वो टक कैसे आवाज़ आती है, टक 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 की आवाज़ आती है उसकी। स्ट्रट लाइक, जैसे पिकॉक जो होता है वो बिल्कुल स्ट्रट की तरह क्या करता है, वो फैला हुआ होता है। स्कैम्पर लाइक, जैसे कि अ माउस, माउस जो रहता है वो धीमे धीमे चलता है, ऐसे ऐसे नहीं चलता रहो तेज़ी से, पर वो अपना मुंह जो है ऐसे से धीमे धीमे बीच बीच में सूंघता रहता है कुछ ना कुछ करके, जहाँ पे कोई स्मेल आती है वो उसको स्मेल करता रहता है। फ्लटर, और क्या है, फ्लटर लाइक अ बटरफ्लाई। बटरफ्लाई किससे मैच होगा? फ्लटर लाइक से। हॉप लाइक अ ग्रॉस ऑफर, ग्रॉस ऑफर कैसे चलता है, हॉप कर करके, हॉपिंग रेस होती है ना, जंप कर करके, यहाँ पे कूदा, वहाँ पे जाके गिरा, फिर वहाँ से जंप हुआ, फिर दूसरी प्लेस पे जाके बैठा, फिर जंप कर करके ये करता है ग्रॉस ऑफर। स्लिथर लाइक यानी रेंगना, वो रेंगता है ज़मीन। स्लिथर मतलब क्या होता है, रेंगना। स्नेक क्या करता है ज़मीन पे, स्लिथ करता है, स्लिथर होता है। सोर लाइक, बिल्कुल अपने पंख फैला के ये बिल्कुल आसमान में एकदम हाई की तरह उड़ता रहता है, जैसे लगता है बिल्कुल एरोप्लेन की तरह एकदम स्ट्रेट ऐसे उड़ता रहता है, बिना पंख को ऐसे ऐसे किए। जैसे कोई जो छोटी बर्ड्स होती हैं, स्पैरो वगैरह होती हैं, वो लोग तो कम उसमें उड़ती हैं, बट जब ये ईगल जो होती है, जब आसमान टूट जाती हैं तो बिल्कुल सर्कल बना बना के वो उड़ती हैं, और जब शिकार देखती हैं अपने तो वो सर्कल पर राउंड 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 करके धीमे धीमे आके और अचानक से किसी भी अपने शिकार को वो पकड़ लेती हैं। द चीता इज़ द फास्टेस्ट एनिमल ऑन लैंड, चीता क्या है, वो लैंड का सबसे फास्टेस्ट एनिमल है। द फैल्कन इज़ द फास्टेस्ट बर्ड, सबसे तेज़ उड़ने वाला बर्ड कौन सा है, फैल्कन। अरे, हिप्पोपोटामस कैन रन फास्टर देन वी कैन। डेज टू रिमेंबर, अब यहाँ पे कुछ स्पेशल डेज दिए गए हैं जो आपको लर्न होने चाहिए, कुछ स्पेशल डेज हैं ये। डेज टू रिमेंबर, जैसे कि रीड द इम्पोर्टेंट डेज दैट ज़ारा हैज़ मार्क्ड ऑन हर कैलेंडर। ज़ारा एक गर्ल्स है, वो अपने कैलेंडर्स पे इम्पोर्टेंट डेज को जो है वो मार्क कर दे रही है, सर्कल कर दे रही है या उसको कुछ कलर कर दे रही है। अब जैसे 21 फरवरी मदर लैंग्वेज डे, इस दिन हमारा कौन सा डे होता है, मदर लैंग्वेज डे। 23 अप्रैल बुक डे, 15 मई फैमिली डे, 5 जून वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। आपको पता होगा कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, अभी हम लोग की ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, आपको हम लोगों ने कुछ दिया था, कुछ कंपटीशन हुआ था कि आपको ड्राइंग कर बनानी है कि किस तरह से अपने इन्वायरमेंट को हमें सेव रखना चाहिए, याद आया हो ना आपको। तो ये कब मनाते हैं हम लोग, 5 जून को। 21 फरवरी मदर लैंग्वेज डे का मतलब हम लोग अपनी मातृभाषा दिवस मनाते हैं। हमारी मातृभाषा क्या है, हिंदी। तो हम लोग हिंदी के उसमें, इस बार तो आपके स्कूल में नहीं हो पाया था, हम लोग हिंदी के उपलक्ष्य में क्या करते हैं, कुछ अच्छा सा ऐसे कंपटीशन रखवाते हैं कि आपको हिंदी में लिखना है और आपको पूरा दिन हिंदी बोलना है। 23 अप्रैल को क्या होता है, बुक डे, पुस्तक दिवस। हमारे टीचर्स कुछ अच्छी सी बुक सेलेक्ट करके हमें स्टोरी सुनाते हैं, कहीं कहीं पे बुक फेयर भी लगता है, आप जाके अपनी पसंद के अकॉर्डिंग्स वहाँ पे अच्छी अच्छी जो हमारे स्कॉलर्स होते हैं या जो महान लोग होते हैं आप उनकी बुक खरीदते हैं, छोटे बच्चे क्या मॉरल स्टोरी से रिलेटेड बुक खरीदते हैं। तो 23 अप्रैल को बुक डे होता है। 15 मई को क्या होता है, फैमिली डे। फैमिली डे मतलब आज हम लोग सब लोग अपनी फैमिली के साथ अच्छा सा दिन बनाएंगे, कुछ स्पेशल डिशेज बनेंगी, कहीं पिकनिक पे घूमने जाएंगे। 5 जून को जैसे वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, पर्यावरण को बचाने के लिए, अपने इन्वायरमेंट को बचाने के लिए ये एक स्पेशल डे होता है कि इस दिन हम लोग कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे, नो यूज़ ऑफ पॉलीथीन, नो यूज़ ऑफ प्लास्टिक, बाइक उसका नहीं यूज़ करेंगे, पैदल चलेंगे, वॉक साइकिलिंग करेंगे, यानी इन्वायरमेंट को हम लोग सेव रखेंगे, ये हम लोग पढ़ लेते हैं, ये प्लेज भी करते हैं।
15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, यानी इस दिन हमारा देश क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। किससे आज़ाद हुआ था? अंग्रेज़ों से। और हमारा देश एक स्वतंत्र भारत बना था, तो इसलिए हम लोग हर साल 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। 5 सितंबर टीचर्स डे, इस दिन बच्चे क्या करते हैं, अपने टीचर्स को कोई अच्छा सा फ्लावर देते हैं, अच्छे से हैंडमेड कार्ड देते हैं और टीचर्स डे विश करते हैं, ये टीचर के सम्मान में मनाया जाता है। 1 अक्टूबर एल्डर्स डे, यानी अपने बड़ों का हम आदर करेंगे, एल्डर्स डे को सेलिब्रेट करने से हमारे घर में हमारे बड़े होते हैं, हमारे दादा दादी नाना नानी, हमारे जो एल्डर्स होते हैं उनको सम्मान देते हैं। 3 दिसंबर डे सेलिब्रेटिंग ऑल एबिलिटीज़ डे, सेलिब्रेटिंग ऑल एबिलिटीज़ मतलब जो फिज़िकली हैंडीकैप होते हैं, जैसे जो बच्चे कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं उनके आई साइड या उनके हैंड या उनके पैर में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनको जो उनके उनको रोकने के लिए, उनके यानी उनके सम्मान में उनको खुश करने के लिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए ये डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि उन्हें ये फील ना हो कि उनके उनके अंदर कुछ कमी है, उनका कोई बॉडी पार्ट जो है काम नहीं कर रहा है, वो उन्हें ये एहसास हो कि हम लोग भी एक जैसे हैं, सब लोग अपना सबके पास कुछ ना कुछ एबिलिटीज़ होती हैं। तो बी अ फ्रेंड टू द अर्थ, मेक एवरी डे एन अर्थ डे। अर्थ डे भी हम लोग कब मनाते हैं, 22 अप्रैल को मनाते हैं ना, विश्व पृथ्वी दिवस भी। आपको ये भी एक हम लोग कॉम्पिटिशन रखे थे और आपको वर्क दिया गया था अर्थ डे में, जिसमें आपको अर्थ बनाना था और किस तरह से अर्थ को सेव रख सकते हैं। तो हमें ये कोई एक दिन, ये सारे डे अर्थ डे हुए, एनवायरनमेंट डे हुए, ज़रूरी नहीं बस आप इसको एक दिन सेलिब्रेट किए। जो आप लोगों ने इस दिन के लिए प्रण लिया है कि हम अपनी पृथ्वी को, अपने एनवायरनमेंट को इस तरह से सेव रखेंगे, वो हमें हमेशा फॉलो करना चाहिए। क्योंकि अगर कोई एक दिन भी किसी काम को स्टॉप करने से पॉल्यूशन कम नहीं हो सकता, जब तक हम डेली उसको नहीं करेंगे। प्लास्टिक का यूज़ कम से कम करना चाहिए। अगर आप पास्ट में कहीं जा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप कार से जाइए, बाइक से जाइए, आप साइकिल से जाइए, वॉक करके जाइए, तो इस तरह से प्रदूषण पॉल्यूशन जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, आपको उसे यहाँ इसको यहाँ पे पिक्चर्स को देख के बस फिल करना है। जैसे नंबर 1, स्पेंड अ डे विथ माई ग्रैंड पेरेंट्स, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ हम लोग कब अच्छा सा दिन मना सेलिब्रेट करते हैं, एल्डर्स डे के दिन। सिंग द नेशनल एंथम, नेशनल एंथम कब गाते हैं, इंडिपेंडेंस डे। सिंग अ सॉन्ग इन द लैंग्वेज आई स्पीक एट होम, मदर लैंग्वेज डे, अपनी लैंग्वेज में हम लोग अपने घर पे कौन से मातृभाषा में हिंदी में गाना गाना हुआ, कौन सा डे होता है, मदर लैंग्वेज डे। गो ऑन अ पिकनिक विथ माई फैमिली, फैमिली डे, जो कि अभी मैंने आपको बताया 15 मई को मनाते हैं। आस्क माई टीचर टू रीड अस स्टोरी, अपने टीचर से कहते हैं हमें कोई अच्छी सी स्टोरी सुनाइए, वो कब करते हैं, बुक डे। लर्न हाउ टू से हेलो इन साइन लैंग्वेज डे सेलिब्रिटीज़ इन आई ऑल एबिलिटीज़। साइन लैंग्वेज मतलब जैसे कोई देख नहीं सकता है तो लोग, या कोई सुन नहीं सकता है, बोल नहीं सकता, तो इशारों में सीख उससे हम लोग बातें करते हैं। गिव फ्लावर्स टू माई टीचर्स, टीचर्स डे में। प्लांट अ ट्री, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे में स्पेशली स्कूल में क्या प्रोग्राम्स होते हैं, ट्री को प्लांट मतलब प्लांट अ ट्री, ट्री का छोटा सा पौधा लगाया जाता है, छोटा सा पेड़ लगाया जाता है, ताकि ये बड़ा होकर हमारे अर्थ को सेव रखे, हमें क्या दे, ऑक्सीजन दे और पृथ्वी का पोल्यूशन जो है वो डिक्रीज करे। तो ये सारे डेज जो है मनाते हैं हमारा। और एक चैप्टर हमारा कौन सा है, ये शेप्स एंड पैटर्न्स, सर्कल द शेप्स डैट मैचेस द वंस गिवन इन द फर्स्ट कॉलम। बहुत ही इजी है ये और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। देखिए फर्स्ट कॉलम में आपका एक शेप बना है यहाँ पे ना, और आपको क्या करना है, उसके बाद ए बी और सी में भी शेप बने हैं अलग अलग तरीके से, जैसे ये बना है ए में, बी में बना है, इस तरह का कोई शेप बना है, और सी में ये बना है, डी में हार्ट। तो आपको इस फर्स्ट शेप को देख के इस शेप के साथ कौन सा शेप मैच हो रहा है, आपको उसे सर्कल कर देना है, बस ये करना है। तो ये आपको होमवर्क है, इसको आप करिएगा। उसी तरह से बी वाला भी है, ड्रॉ लाइंस टू मैच टू कॉलम्स टू मेक कंप्लीट द सर्कल्स। यहाँ पे जो फिगर्स बने इसको कंप्लीट करने के लिए, कौन सा फिगर किससे मैच होगा आप उससे मैच करिएगा। तो ये होमवर्क है, आप इसको घर पे करिएगा, क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमारा ये लास्ट चैप्टर है, हाउ वी ट्रैवल, चूज़ द करेक्ट आंसर व्हीकल्स यूजिंग द पिक्चर्स क्लूज एंड कंप्लीट द सेंटेंस। व्हेन वी गो ऑन अ क्लास पिकनिक वी टेक द, जब हम लोग पिकनिक पे जाते हैं तो हम लोग किससे जाते हैं, स्कूल बस। तो क्या लिखेंगे आप, स्कूल बस। नंबर 2, अ स्पेस शटल कैन टेक अस द मून, मून पे जाने के लिए एस्ट्रोनॉमर क्या यूज़ करते हैं, स्पेस शटल। ये देखिए स्पेस शटल का डायग्राम बना है,
राइडिंग अ बाईसाइकिल गिव अस गुड एक्सरसाइज, साइकिलिंग इज अ गुड एक्सरसाइज फॉर अस। अ फेरी टेक्स अस अक्रॉस अ रिवर, फेरी कहाँ बना हुआ, ये जो नदी में चलता है। और वी सेल अक्रॉस एन ओशियन ऑन अ शिप, ओशन शिप कहाँ पे चलती है, ओशियन पे, समुद्र में। फ्लाइंग ऑन एरोप्लेन इज अ क्विक वे टू ट्रेवल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, एक कंट्री से दूसरी कंट्री पे जाने के लिए एरोप्लेन क्या है, सबसे अच्छा व्हीकल्स है। अ स्लेज टेक्स अस अक्रॉस आइस एंड स्नो, ये स्लेज का डायग्राम है जिसके आगे डॉग लगे हुए हैं और इसमें कोई भी व्हील्स नहीं लगा होता है, ये बर्फ में क्या करती है, फिसल के चलता है। और जैसे जैसे डॉग जो है वो आगे आगे दौड़ेगा तो ये स्लेज चलेगा। तो ये कहाँ पे चलता है, आइस एंड स्नो में। नील आर्मस्ट्रांग वॉज द फर्स्ट पर्सन टू वॉक ऑन द मून, नील आर्मस्ट्रांग वो सबसे पहले व्यक्ति थे जो चांद पर गए थे। विल्बर एंड ऑर्विल राइट वेयर टू ब्रदर्स हु फर्स्ट मेड एंड फ्लू एन एरोप्लेन्स, ऑर्विल राइट एंड विल्बर राइट क्या थे, ये दो ब्रदर्स थे जिन्होंने फ्लाइंग एरोप्लेन सबसे पहले बनाई थी। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखिए एक और है, वाइज आउल और क्या बता रहा है, यहाँ पे मून दिए हैं, मून का डायग्राम दिया गया है, हाफ मून है, इस तरह क्रिसेंट है, हाफ मून है एंड फुल मून है। एज द मून ट्रेवल्स अराउंड द अर्थ इट लुक्स लाइक इट इज़ चेंजिंग इट्स शेप्स, जैसे जैसे मून जो होता है वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है, जैसे लगता है कि अपना शेप जो है ये बदल रहा है। फर्स्ट इट लुक लाइक अ क्रिसेंट, फर्स्ट जो क्या है ये क्रिसेंट की तरह लगता है, पतला सा मून होता है। सेकेंड इट बिकम्स अ सेमी सर्कल, यानी हाफ सर्कल का बन जाता है। और लास्ट एंड फाइनली इट ग्रोज इंटू अ राउंड फिगर, यानी फुल मून में डेवलप हो जाता है। तो ये मून के बारे में था। तो ये हमारा आज की वीडियो में हम लोगों ने इतने चैप्टर्स कवर किए हैं। आपको जो भी प्रॉब्लम होगी आप उसको ग्रुप में पूछिएगा, बट ऐसा इसमें कुछ प्रॉब्लम जैसा था नहीं, मुझे लगा आपको सब अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, एंजॉय योर डे।